मैं टॉपिको से साबुदाने से मिल्क पुडिंग बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बर्तन को चूल्हे पे रखा है। इसमें मैं ये 1 1/2 कप पानी डालूँगी और मैंने ये 1/2 कप साबुदाना लिया है टॉपिको, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैं पकाऊँगी। मैंने साबुदाना में रेड कलर डाला है, रेड कलर फूड कलर है। इसको मैंने पकाया है। अब मैं फ्लेम को बंद करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए। साबुदाना ठंडा हो गया है, इसको हम कोई स्टार्च इसका निकाल लेना है साबुदाने का। इसमें मैंने पानी डाला है, इसका स्टार्च धो के निकाल लूँगी। हमने साबुदाने का स्टार्च धो धो के निकाल लिया है। इसको इसी में रख देंगे, इसका पानी निकल जाए साबुदाने का। मैंने 1 टीस्पून अगर अगर लिया है, इसमें 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे, डाल के अगर अगर को मिला लेंगे पहले। इससे पुडिंग बनता है अगर अगर से, इसको मिला के रख लेंगे। हमने यहाँ 3 कप मिल्क लिया है, इसको पका लिए हैं। इसमें हम ये अगर अगर को डाल देंगे। डाल के इसको पकाएंगे पुडिंग बनाने के लिए। अच्छे से मिला लेंगे। अगर अगर को डाल के अच्छे से पकाएंगे। हाफ कप शुगर लिए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। वन टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। चीनी पिघलने तक, शुगर को पिघलने तक पकाना है मिल्क को। टॉपिको को छान के रख लिए हैं पानी, इसको इसमें डाल देंगे। टॉपिको को डाल के पकाएंगे मिल्क में। लो फ्लेम पे थोड़ी देर रख देंगे पकने के लिए। ये पक चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से।
अब एक बर्तन में बटर लगा लेंगे, इसमें इसको पुडिंग को जमाएंगे। मैंने इस बर्तन में बटर लगा लिया है अच्छे से, और इसी में मैं अपना टॉफी को पुडिंग डाल लूँगी। मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखूँगी, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में डाल दूँगी। टॉफी को मिल्क पुडिंग बन के तैयार हो गया है, मैंने इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे काट के दिखाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप लोग इस तरीके से बनाएं टॉफी को मिल्क पुडिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।